चंदौली की अलीनगर पुलिस ने दो सात लुटेरों को किया गिरफ्तार। चंदौली में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए युवा पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों को जहां समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का कड़ाई से पालन भी अधीनस्थ अधिकारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अलीनगर पुलिस ने रेलवे कॉलोनी मोड़ के पास से दो सात लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सोने की चैन, 8100 रुपए नकद व कारतूस तमंचा भी बरामद हुआ। ये दोनों चैन स्नेकिंग के अपराध में भी सम्मिलित बताए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि इनके विरुद्ध विभिन्न थाना में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनकी डिटेल खंगाली जा रही है। कितने लोग पकड़े गए? देखिए, संदिग्ध अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी, जो लोको कॉलोनी अलीनगर के पास से दो व्यक्ति तमंचों के साथ गिरफ्तार किए गए। इनके पास से दो तमंचे 315 बोर के और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिखा गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। इनके द्वारा पूर्व में भी घटना लूट की, चोरी की, जहर खुरानी की गई है, और लूट की घटना में भी स्वीकार किए हैं, इनके उसमें भी गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में क्या पता चला है? आप ये असलहे के साथ बरामद हुए हैं, तो आतंकित करके लूटते थे क्या? पूछताछ से ये ज्ञात हुआ कि ये असलहा दिखाकर लोगों को डरा धमकाकर चिन्हित कर गैंग के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। गैंग के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है, आगे भी बताएंगे क्या है।